मंत्री के नाम पर चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर चंडीगढ़ के हजारों गरीबों से क्रूर मजाक किया गया है। उन्हें ऐसा गेहूं बांटा गया है जो पूरी तरह से सड़ चुका था। कंकड़ की भरमार वाले इस गेहूं को पीसने से चक्की वालों ने भी इनकार कर दिया। विरोध हुआ तो आनन फानन में अफसरों ने राशन वितरण रोक दिया है, जिसका वहाँ के लोगों ने खूब विरोध किया और वहाँ पहुँचे एरिया पार्षद दिलीप शर्मा ने भी इसका विरोध किया। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को गेहूं मुफ्त दिया जाता है। इसका जिम्मा एक एजेंसी को सौंपा गया है। बांटे गए 25 किलो की बोरियों को जब लोगों ने घर जाकर खोला तो अंदर से काला और सड़ा हुआ गेहूं निकला। इसमें कंकड़ों की भरमार थी। इसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। उनमें से कुछ को अलग कर जब वो इसे पिसवाने के लिए चक्की पर ले गए तो चक्की वालों ने गेहूं को देखते हुए उसे पीसने से इनकार कर दिया। कुछ पीसने को राजी तो हुए लेकिन ज्यादा पैसे मांगने लगे। कुछ लोगों ने परेशान होकर ये गेहूं जानवरों के आगे डाल दिया, जिसके बाद लोगों में रोष फैला हुआ है। लोगों का कहना था कि वो पहले से ही कोरोना से परेशान थे और सरकार मदद कर रही है, लेकिन उन्हें जो गेहूं दिया जा रहा है वो सड़ा हुआ है और उन गेहूं से बदबू भी आ रही है। अगर गेहूं देना है तो खाने योग्य गेहूं दे, कम से कम वो खाने से बीमार तो नहीं पड़ेंगे। लोगों का ये भी कहना था कि ये गेहूं तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रशासन इनको जो कनक दे रहा है, देखो कनक का क्या हाल है, इसको कोई जानवर भी ना खाए जैसी कनक प्रशासन ने दी है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से भी इनको इंसानों वाली कनक तो दी जाए। आप देखो सारी सड़ी हुई कनक है, तो प्रशासन से यही अपील करेंगे कि भी जो ये कनक है लोगों को साफ सुथरी कनक दी जाए, ये गधे घोड़े जानवर वाली कनक ना दी जाए। ये भी इंसान है क्या, इनका ये इंसान है तो मतलब इनको गरीब बंदों को तुम ये कनक दोगे? तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस कनक को चेंज किया जाए और सभी को सही बिल्कुल साफ कनक दी जाए। ये जो कनक आई है ये कनक खाने योग्य नहीं, इस करके जो है अगर हम इस चीज को कोई भी इंसान इसको खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और पहले तो लोग कोरोना से वैसे ही परेशान थे, कोरोना करके लोगों का काम धंधा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ठीक है, प्रशासन सरकार जो भी है मतलब मदद कर रही है हम लोगों की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बीच में कुछ लोग हैं जो कि इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो ये चीज़ हम नहीं ले सकते। और हमें जो भी चीज़ें मिले तो खाने योग्य हों। ताकि आज भी क्या क्या प्रॉब्लम आई है इसमें, कनक में बहुत पुरानी है, सड़ी हुई है और मिट्टी है, कचरा है और स्मेल तक आ रही है। वहीं एरिया पार्षद दिलीप शर्मा ने कहा कि लोगों ने इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि वो खुद अफसरों से बात करेंगे, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गरीबों में ऐसी गेहूं क्यों बांटी जा रही है, ये लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। लोगों के काफी फोन आ रहे थे और कनक के बारे में उन्होंने शिकायत करी है कि भाई ये खाने योग्य नहीं है और ये इसको तो अगर कोई आदमी खाएगा तो नेचुरली बीमार हो जाएगा। तो मैंने कांवले से बात करी थी, जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करी, तेजदीप सैनी ने फोन नहीं उठाया, और DFSO से बात करी थी कि जी हम बदल देंगे। मगर बदलना इसका वो मकसद नहीं है, मकसद तो यह है कि कणक ये गलत आ कैसे रही है और जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जो जो कणक इसको लोगों को बंटवा रहे हैं, जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और साफ कणक मिलनी चाहिए। लोगों को ज़रूरत है, अगर हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प की बजाय हम उनको नुकसान देंगे, बीमार होंगे वो लोग, और जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसमें चाहे कुछ भी करना पड़े। ये किसी एक जगह की बात नहीं थी। मनी माजरा, इंदिरा कॉलोनी, मलोया, डड्डू माजरा समेत कई इलाकों में लोगों ने खराब गेहूं मिलने की शिकायत की। राशन बांटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से खराब गेहूं की शिकायत आ रही थी। जब लोगों का विरोध बढ़ा तो प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद खुली और राशन वितरण कंपनी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया और आनन फानन में राशन वितरण रोक दिया गया। लेकिन जिन लोगों तक सड़ा हुआ गेहूं पहुंच चुका है उनका क्या? ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।